संयुक्त किसान मोर्चा ने मिशन बंगाल की तैयारी पूरी कर ली है। मोर्चा ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी दल का समर्थन नहीं करेगा, बस बीजेपी को वोट न देने की अपील की जाएगी। तैयारी ये भी है कि हर विधानसभा क्षेत्र में किसान 3 से 4 रैलियां निकालेंगे। सवाल अब यह है कि क्या किसानों का ये गुस्सा चुनावों में बीजेपी को महंगा पड़ जाएगा। राकेश टिकैत पहुंचेंगे, योगेंद्र यादव पहुंचेंगे, हन्नन मोल्ला भी जाएंगे। किसान आंदोलन का नया रण क्षेत्र अब पश्चिम बंगाल और असम होने जा रहा है। किसानों ने चुनाव वाले 5 राज्यों में बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए कमर कस ली है। किसान पहला ट्रेलर कल कोलकाता में दिखाने जा रहे हैं। 13 मार्च को यही किसान मोर्चा नंदीग्राम में होगा। नंदीग्राम में जहां पर राजनीतिक माहौल इस वक्त पूरी तरह से गरमाया हुआ है, ममता बनर्जी के अपने नॉमिनेशन फाइल करने के बाद उनके साथ जो घटना घटी, जिस पर एक तरह से बहस छिड़ी हुई है भाजपा और तृणमूल के बीच, इसी माहौल में किसान मोर्चा जो है, जिन्होंने कहा है कि वो भाजपा के खिलाफ जो भी खड़ा होगा इन इलेक्शंस में उनके साथ खड़ा होगा, किसान मोर्चा नंदीग्राम में एक महापंचायत करेगी। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार इन दिनों बंगाल के चुनाव में व्यस्त है, तो किसान सरकार से वहीं मुलाकात करेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। चुनाव थोड़ा लड़ना है, वहाँ पे जाना चाहिए, जहाँ पे वो चल रहे हैं वहाँ पे बता रहे सब नेता, वहीं जा रहे कि ये तो चलेंगे हम भी। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक कोलकाता में वाहन रैली के लिए 294 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। चुनाव वाले 5 राज्यों में किसानों की टीमें बीजेपी को वोट न देने की अपील करेंगी। किसान संगठन सभी विधानसभा क्षेत्रों में 3 से 4 रैलियां करेंगे। उनका बंगाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां तक सवाल है, भारत सरकार ने बार बार इस बात को दोहराया है, कल भी इस बात को कहा है कि यदि कानून में कोई दिक्कतें हैं या कठिनाइयां हैं तो आकर के उनको सुझाव देना चाहिए और हम उसके समाधान करने के लिए तैयार हैं। मैं नहीं समझता कि उस इतना कहने के बाद किसी आंदोलन का कोई औचित्य रह जाता है। बीजेपी नेता एक तरफ तो कह रहे हैं कि बंगाल में किसान आंदोलन का कोई असर नहीं पड़ेगा, तो वहीं सरकार के मंत्री दुहाई दे रहे हैं कि किसानों के पास सारे विकल्प खुले हुए हैं, लिहाजा कृषि कानूनों का विरोध बेमानी है। कि ये जो सरसों है, सरसों का MSP रेट है 4650 रुपए, लेकिन आज बिक रही है 6200 रुपए, यानी कि 1800 रुपए ज्यादा मिल बिक रही है। तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि किसानों को जो ये डबल बेनिफिट मिल रहा है ये मिले? और फिर कानूनों में तो ये कहा गया है कि आपकी मर्जी है, आप बेचना चाहे बेचे, अगर आप नहीं बेचना चाहते तो ना बेचे, आपका दिल करता है मंडी के अंदर बेचे, आपका दिल करता है मंडी के बाहर बेचे। किसानों का जत्था पश्चिम बंगाल कूच की तैयारी में है, तो दिल्ली की सीमाओं पर भी किसान डटे हैं। संकल्प वही है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती वो यहाँ से हटने वाले नहीं है। हम इस देश की आर्थिक व्यवस्था के कल्याण के लिए यहाँ पर पड़े हैं, हम इस देश के कृषि प्रधान देश के किसानों के परिवार को जिंदा रखने के लिए यहाँ पड़े हैं। हम इस देश में रोटी तिजोरी में बंद न की जाए, रोटी पर राजनीति न की जाए, रोटी पर व्यापार न किया जाए, इसके लिए यहाँ पर पड़े हुए हैं। हम लोग जाने वाले नहीं। तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक यहाँ अड़े रहेंगे, नहीं जाएंगे। बस तीनों कानून ही वापस कराने का। हाँ जी, हाँ जी, MSP गारंटी, तीनों कानून वापस, जब तक नहीं होंगे तब तक नहीं जाएंगे यहाँ से। सरकार और किसानों के बीच मसला सिर्फ MSP और 3 कृषि कानूनों की वापसी पर अटका है। न सरकार कदम पीछे खींचने को तैयार है और न ही किसान। किसानों की फसलों पर आंदोलन का असर पड़ रहा है, तो किसान भी बीजेपी की सियासी फसल चौपट करने की तैयारी कर चुके हैं। कोलकाता में पॉल मिसाह के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली आज तक। जो लगातार
जुल्म और तशद्दुद इस देश के लोगों पर पड़ रही है।